थोड़ा जरा दिखा दीजिए इसमें कैसे पानी निकल रहा है, उसके बाद हम गैस एजेंसियां और फिर गैस सर्विस जो यहाँ के स्थानीय हैं एजेंसी वाले उनसे भी वो बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ये लाइव चेकिंग चल रही है, आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो कैसे निकल रहा है। ये देखिए सबसे सीधी तस्वीरें, गैस अगर होती तो गैस निकलता लेकिन इसमें से निकल रहा पानी। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, ये इतना काफ़ी है, अभी भी इसमें 5 किलो पानी भरा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी ही पानी हो गया है। और ये आम जनता जो है वो क्या पानी के पैसे देती है, सबसे बड़ा सवाल। गैस एजेंसियां इस बात को फिर से सोचे क्योंकि ये कोई पहली शिकायत नहीं है, ये दूसरा वाकया है। पिछली बार ऐसे ही हुआ, खत्म हो गई गैस, तो मैंने एक भैया रिपेयर वाले थे उनको बुलाया, तो तिवारी जी ने देखा तो उसमें से लीकेज जब चेक किए तो गैस के बजाय जो है वो पानी गिरने लगा। कितना है वजन, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे निकलता है पानी। अमूमन 15 किलो वजन होता है गैस सिलेंडर का, जो गैस कहा जाता है कि गैस कंपनियों के द्वारा जो कहा जाता है वो जो है वो कि 15 किलो गैस होती है और फिर ये वजन। अभी आप देखेंगे तो महंगा हुआ है तो पानी भी आता है इसमें। हाँ अभी ये मन देखा तो हाँ पानी इतना भरा है, तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे, क्या कहे सरकार जो कुछ न्याय नहीं करता है तो क्या करी। हाँ सब्सिडी वगैरह आती है भैया, नहीं आ रही है, वो भी बंद है, वो भी। जरा पानी कैसे निकालते हैं भाई साहब बता दीजिए। आप भी अपने गैस में कभी भी भरवाने जाएं तो इस चीज को जरूर टेस्ट करें, गैस लेने के बाद पानी कहां से होता है, किस में क्या किया जाता है। ये जो पिन होती है, जी जी, ये पिन को अगर हम प्रेस कर देंगे, दाब देंगे और बाटला को ऐसे उल्टा कर देंगे, उल्टा, जी जी, उल्टा करने पर पिन को, जी जी, ये देखिए ये जो पिन आपको दिख रही है पतली थोड़ा दूर दिखाई, ये देखिए जो दिख रही है पिन, इसी पे आप जब इसको अंदर प्रेस करेंगे अंदर की तरफ किसी पतले नुकीले से पेचकस से, तो ये अंदर करने के बाद पानी गिरने लगता है। तो मैं आप इसको रिकमेंड करूंगा जितने भी उपभोक्ता हैं, खास करके गैस सिलेंडर लगभग अमूमन सभी हैं, तो वो इस चीज को जरूर वेरीफाई करें, चेक करें कि कहीं हमारे गैस सिलेंडर में भी तो पानी नहीं है, क्योंकि ये गैस में पानी निकल चुका है। अभी भी पाइप से काला काला पानी निकल रहा है, पानी निकलता है। हाँ निकलता है। तो आप लोग कभी कहीं शिकायत किए? कहीं नहीं किए, क्या करें शिकायत, शिकायत वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, मैं तो गैस थी ही नहीं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से हम चेकअप लाइव करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे गैस से पानी निकल रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें देख सकते हैं गैस सिलेंडर से पानी, ये देखिए फिर से वही अंदाज, ठीक है बहुत सही, आप रख दीजिए आप, ये देख सकते हैं। अगर ज्यादा इसमें से हम पूरा पानी निकाल देंगे तो बाद में ये सर्विसेज गैस सर्विसेज के पास जाएंगे तो वहां ये कहेंगे कि भैया इसमें पानी ही नहीं है। वो 30 किलो जो है इसमें होता है गैस से लेकर के पूरा भार इसका, लेकिन अभी 15 किलो केवल इस गैस सिलेंडर का भार होता है, लेकिन अभी 6 लीटर एक्स्ट्रा यानी 21.5 किलो बता रहा है, 6.5 लीटर अभी इसमें पानी। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय हम खड़े हैं प्रतापगढ़ के सराय कल्याण देव में। इस गांव में एक नया अजूबा निकल के आया है गैस सिलेंडर के साथ, जो कि आम जनजीवन के साथ जुड़ा है, आम नागरिकों के साथ जुड़ा है। हर घर में गैस सिलेंडर का प्रयोग होता है, लेकिन आज गैस सिलेंडर में जो पानी निकल रहा है उसको देख करके न केवल आसपास के लोग बल्कि ये वीडियो जहां जहां तक जाएगा एक बहुत बड़ा मैसेज है और सब हैरान है इस वीडियो में इस गैस से निकल रहे पानी को देखकर। आपको बता दें इस गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर से पानी निकल रहा है एक नहीं बल्कि ये दूसरी बार वाकया निकल के आया है और यहां जो है आम जो आसपास के ग्रामीण हैं कि एक नहीं बल्कि 2-3 लोगों की ये शिकायत हो चुकी है कि गैस से पानी बार बार निकलता है। तो गैस से पानी निकलना ये अपने आप में अपराध है, गैस रिफिलिंग खास करके उपभोक्ताओं का रिफिलिंग को लेकर छेड़छाड़ करना ये एक अपराध है और गंभीर अपराध है। लेकिन जिस तरीके से न केवल एक बार बल्कि दूसरी तीसरी बार इस तरीके से पानी निकलना बल्कि 1 लीटर नहीं 2 लीटर नहीं 5-5, 6-6 लीटर इस गैस में जो कि 15 किलो का गैस होता है और फिर उसके बाद 15 किलो इसका वजन, तो टोटल 30 किलो वजन में ही जो है वो 7-8 लीटर जो है वो पानी इसमें डाला गया है। ये अपने आप में जो है वो काफी गंभीर मामला है। हम आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि कैसे इससे पानी निकलता है। आम जनता है जो शिकायत करता है, जो पीड़ित लोग हैं, इन्होंने क्या कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया है इस गैस को लेकर। हमारे आप ऐसा कोई देश में नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जो गैस सिलेंडर का प्रयोग ना करता होगा। सरकार ने भी जो है वो काफी प्रोत्साहन किया, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस पहुंचाया है, लेकिन क्या गरीब अभी सवाल पूछ रहे हैं कि गैस के लिए गैस सिलेंडर दिया गया है या फिर पानी के लिए? पैसा उतना ही लग रहा है, 12-12 रुपए, 11-11, 12-12 रुपए भरवाई लगती है, लेकिन इस तरीके से अगर पानी निकलेगा तो आम जनजीवन जो है वो जहां 3 महीने गैस चलता है अमूमन, वो एक ही महीने में खत्म हो जाएगा। तो अपने आप में गंभीर अपराध है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं बिना लॉन्ग लपेट के। सबसे पहले भैया इसका वजन कर लीजिए, कितना है वजन, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे निकलता है पानी। अमूमन 15 किलो वजन होता है गैस सिलेंडर का, जो गैस कहा जाता है कि गैस कंपनियों के द्वारा जो कहा जाता है वो जो है वो कि 15 किलो गैस होती है और फिर ये वजन। अभी आप देखेंगे तो ये 21 किलो 450 ग्राम है, लगभग 21 किलो 500 ग्राम। तो ये जो है अभी सबसे पहले जान लेते हैं कितने दिन आप इसको यूज किए भाई।
ये अभी हम जो है बीच बीच में ईंधन का भी यूज करते हैं, इसलिए ये 2 महीना लगभग जो है होने वाला है। 19 फरवरी को हम भरवाए थे गैस। ये खत्म हो गया है पूरी तरीके से? ये खत्म हो गया, अब चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है यानी समझिए 15-25 किलो ओवर टोटल जो है वो 30 किलो जो है इसमें होता है गैस से लेकर के पूरा भार इसका। लेकिन अभी 15 किलो केवल इस गैस सिलेंडर का भार होता है, लेकिन अभी 6 लीटर एक्स्ट्रा यानी 21.5 किलो बता रहा है, 6.5 लीटर अभी इसमें पानी है क्योंकि अब ये गैस नहीं चल रहा है। कब भराए थे आप भैया इसको? 19 फरवरी को लाए थे इसको। कहां से लाए थे आप? शिवम गैस सर्विस सेंटर, जो गोदाम है अष्टभुजा नगर के पास, शिवम पैलेस के सामने। तो ये आप कह रहे हैं आपके साथ पहला वाकया है या दूसरा? कितनी बार? ये दूसरा वाकया है। पिछली बार ऐसे ही हुआ, खत्म हो गई गैस, तो मैंने एक भैया रिपेयर वाले थे उनको बुलाया, तो तिवारी जी ने देखा तो उसमें से लीकेज जब चेक किए तो गैस के बजाय जो है वो पानी गिरने लगा। तो वजन किए तो उस समय 24 किलो वजन था, अभी जैसे 21 किलो वजन है, उस बार 24 किलो वजन था। तो मैं सर्विस सेंटर पे वहाँ ले गया, थीवम सेंटर पे, तो उन्होंने बोला कि आप चले जाइए गोदाम पे, वहाँ दे दीजिए, दूसरा बाटल ले लीजिए। वहाँ मैं जब दूसरा बाटल मांगने लगा तो हमको नहीं दिए, बोले कि इसको रख दीजिए, दूसरा बाटल ले लीजिए, उसका पैसा दे दीजिए, बाद में हम इसकी जाँच कर लेंगे, उसके बाद आपको जो रहेगा बताएंगे। तो 3-4 दिन बाद दूसरी बार जब गए तो उस समय मैं बाटल लेकर 1110 रुपये देकर लेकर चला आया, लेकिन दूसरी 3-4 दिन बाद गया तो एक वो जहां वो रहते हैं कर्मचारी, उन्होंने कहा कि अभी आपका जो है इसमें 6 किलो गैस थी, जबकि वो समथिंग 8 किलो के लगभग थी। हमने कहा ठीक है, 600 रुपये उन्होंने दिया, हमने कहा चलिए ठीक है 600 ही, यानी 600 किलो का वो 600 बता दिए। हाँ समझिए, 6 किलो का 600 बता दिए और इसमें भी 6.5 किलो है, यानी एक एक गैस में 600 रुपये का घोटाला। पानी का रेट आप समझ रहे हैं, तो 600 किलो में अगर 600 रुपये का घोटाला हो रहा है एक गैस में, तो इस तरीके से एक बहुत गंभीर, न केवल घोटाला बल्कि बहुत गंभीर अपराध गैस एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है, आम जनता के साथ छलावा है। चलिए सबसे पहले हम इसमें से पानी निकलवा लेते हैं। भाई साहब थोड़ा जरा दिखा दीजिए इसमें कैसे पानी निकल रहा है, उसके बाद हम गैस एजेंसियां और फिर गैस सर्विस जो यहां के स्थानीय हैं एजेंसी वाले उनसे भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ये लाइव चेकिंग चल रही है, आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो कैसे निकल रहा है। ये देखिए सबसे सीधी तस्वीरें, गैस अगर होती तो गैस निकलता, लेकिन इसमें से निकल रहा पानी, ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, ये इतना काफी है। अभी भी इसमें 5 किलो पानी भरा है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी ही पानी हो गया है। और ये आम जनता जो है वो क्या पानी के पैसे देती है, सबसे बड़ा सवाल। गैस एजेंसियां इस बात को फिर से सोचे, क्योंकि ये कोई पहली शिकायत नहीं है, अगर आप गूगल करेंगे तो इससे पहले कई शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गैस एजेंसियां बिना किसी लापरवाही के एक प्री प्लानिंग के तहत आम जनता के हक पे डाका डालते हुए इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। चलिए कुछ लोग हैं उनसे। अच्छा ये भाई साहब बताइए, अब आप अगर इसको वहां लेके जाएंगे गैस सर्विस पे तो वहां जो है फिर से पैसे की मांग होगी? हां फिर से पैसे की मांग होगी, बोलेंगे कि यार बार बार आप ही के यहां होती है और किसी के यहां नहीं, ऐसी शिकायत आती है, आप पता नहीं कहां से गैस उठा लाते हैं। यानी वो अपने जो अपनी इस चूक को जो मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार भी नहीं होते हैं कि हमारे यहां से ही आप गैस ले गए हैं। ये भी समझिए कि जो यहां के जो स्थानीय गैस सर्विस के एजेंसी वाले हैं वो भिड़ने को तैयार हैं, यानी आप इसमें पानी भर दिए हैं ये कहने को तैयार हैं, लेकिन ये ना तो इसका लौटाएंगे। समझ लीजिए कि 1100-1200 आम ग्रामीण भी हैं, इनकी भी इनके साथ भी समस्याएं हो चुकी हैं। क्या लग रहा है भैया, कभी ऐसी घटना हो चुकी है? हाँ। गैस से पानी निकल चुका है? अभी भी पाइप से काला पानी निकल रहा है। पानी निकलता है? हाँ निकलता है। तो आप लोग कभी कहीं शिकायत की है? कहीं नहीं की है। क्या करें शिकायत, शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा दादी आप कभी हुआ आपके साथ? हाँ दुविधा हो गई हमारे सबके। अब का आप बताइए, जब कितने सिलेंडर आप खरीदते हैं? अब सिलेंडर नहीं से खरीद के लावा थी हम 1100-1200 ना, तो हमें 6 किलो पानी हो तो कैसे काम चले? अब कैसे काम चले, खाना दारा बुत जाता, चा पानी बने ना जाता, लकड़ी हमें सब यूज कर रहे और क्या करेंगे, लकड़ी यूज करते हैं, मतलब 1200 सिलेंडर हम कुछ चलता है। अच्छा आपके साथ भी हुआ कभी? नहीं भैया। अच्छा तो क्या इसमें क्या कहीं जो पानी निकल रहा है? पानी निकले है जो मतलब गरीब मने के जोर पे कैसे चल रही है ना। ये बताओ उज्ज्वला योजना के तहत सरकार लाभ हुआ कि नहीं? गैस सिलेंडर दिए हैं? गैस सिलेंडर में सास पाई थी, हम नहीं पाई थे। अच्छा अच्छा, तो वो भरवाती हैं आप? नहीं नहीं भरवाते हैं। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं। दादी ये बताइए, आप बताइए गैस सिलेंडर जो है वो भरवाती हैं? हाँ। कितना दिन चलता है? मार बाहु भरावत है। कितना दिन चला था? 1 महीना चला था। बस 1 महीना? 1 महीना, 1 महीना, दूसरा दिन बंद कर देती है। कितने में भरवाती है? 1200 रुपया। तो महंगा हुआ है गैस सिलेंडर? महंगा हो गया है। तो महंगा हुआ है तो पानी भी आता है इसमें? हाँ भाई ये मैंने देखा तो हाँ पानी इतना भरा है। तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे? क्या कहें सरकार, जो कुछ न्याय नहीं करता है तो क्या करी। हाँ सब्सिडी वगैरह आती है भैया? नहीं आ रही है। वो भी बंद है? वो भी बंद हो गई है।
तो कैसे काम चल रहा है फिर, लकड़ी से? हाँ, लकड़ी से काम चल रहा है। सब्सिडी बंद है, गैस महंगी है, जो महंगी है जो खरीद भी रहा है उसमें पानी आ रहा है, समस्या विकराल है। एक समस्या नहीं, समस्याएं आम उपभोक्ता के सामने बड़ी समस्या है, गैस सिलेंडर से पानी निकलना, दूसरा महंगाई, तीसरा अगर इस पानी की शिकायत भी की जाए तो लड़ने को तैयार है। अब भी आपके पास वो है कागज है इसका, कब भरवाए थे आप? तो ये देख सकते हैं पूरी डेट वाइज जो है हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे जो है वो दो महीने में गैस सिलेंडर 19 फरवरी 2023 को जो है गैस भराए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 फरवरी को ये भराया गया ओवरऑल। तो कुल मिला के आप समझिए कि 9 किलो गैस इसमें से यूज हुई है, 15 किलो इसमें गैस होता है, ठीक 15 किलो आप समझिए इसमें गैस होता है, 15 किलो में अभी अब ये बंद हो चुका है, यानी अब इसमें गैस खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसका वजन जो है वो 15 किलो होने के बजाय 21 किलो है, यानी सीधा आप इस गणित से समझिए कि अभी 6 लीटर 6.5 लीटर इसमें पानी है। लेकिन अब अगर आप गैस सर्विसेज के पास ले जाएंगे, एजेंसियों के पास, तो वो कहेंगे कि समस्या आपकी बात है, पानी को लेकर अगली बार आपने कहीं और शिकायत नहीं की, केवल एजेंसियों तक की? नहीं, उनसे मैंने कहा था तो उन्होंने कहा कि जो है मैंने एक बात और उनसे कही थी कि ये पहली बार है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आइंदा जो है दोबारा तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और ईमानदारी से पैसा कमाकर आपके पास आते हैं और ये भरवाते हैं सिलेंडर, और वो भी लकड़ी के साथ ही यूज करते हैं, लकड़ी का भी यूज करते हैं, कंडी और लकड़ी, उसके बाद भी गैस 2 महीना नहीं चल पाती है, नहीं चल पा रही है। तो ये समझिए, इसको प्रतापगढ़ के भी आला अधिकारी समझें, इंडियन गैस सर्विसेज के जो इंडियन गैस एजेंसियां हैं जो बड़ी बड़ी जहां से भर के आती हैं, क्योंकि अमूमन सर्विसेज जो यहां के गैस सर्विसेज वाले हैं वो भी नहीं भरते हैं, ये बात सही है, लेकिन उनको इस बात की जांच प्रमुखता से करवानी चाहिए, ना कि उपभोक्ताओं से झगड़ना चाहिए। दादाजी हैं, दादा क्या कहेंगे, आपने कभी अपने भविष्य में ऐसा देखा गैस से पानी निकलते? नहीं सर, कभी नहीं देखा। तो पहली बार हो रहा है? पहली बार हो रहा है। ये भी नया अजूबा है। हां सर। हां, क्या कहेंगे इस पे? अब क्या करें सर, जो मन कहा कर रहे हैं वो काम, मोदी जी ने कहा हम तो गैस दे दिए, सब गैस से खाना बन रहा है, हमें साहब गैस नहीं है भाई, नहीं मिला, नहीं मिला है। क्या नाम है आपको? हमारा रामदेव नाम है। तो कितना लड़कियां हैं आपको? एक लड़कियां है। उन्होंने ना मिला? बाहर रहा है। पूरे परिवार में क्यों ना मिला? उजला गैस है। तो ठीक है, ये देख सकते हैं कहीं कहीं जो है वो, जी जी क्या कहेंगे भैया? जैसे इसमें रेट का कॉलम बना हुआ है लेकिन रेट नहीं लिखा जाता है। अच्छा अच्छा, ये भी एक समस्या, ये भी एक समस्या है। एक दो बार मैंने उनसे कहा, कहते हैं कि जो है रेट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये वही कॉपी है, रिफिलिंग का कॉपी है, सीधे देख सकते हैं रेट कभी नहीं लिखा गया है और यहाँ पे हर भराया जाता है, ये भी बिल्कुल इसमें साफ लिखा गया है, एक बार केवल लिखा गया 1100। ये बड़ी बात है, ये भी एक घोटाला कहीं ना, क्योंकि खुदरा बिक्री जितने भी जो है यहाँ पे कॉलम बने हैं उन सबों का जो है वो भरान बहुत जरूरी है। यानी ये छोटी छोटी चीजें किस तरीके से आम जनता से जुड़ी हुई हैं लेकिन फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, इनकी आड़ में एजेंसियां, गैस सर्विसेज, गैस देने वाले लोग न जाने कौन कौन सा खेल कर रहे हैं। अभी आपने देखा, एक बार भाई साहब फिर से थोड़ा सा दिखा दीजिए, वैसे थोड़ा सा दिखाएंगे क्योंकि अगर ज्यादा कम हो गया तो फिर यही होगा कि गैस सिलेंडर वाले यही कहेंगे कि भाई आप में तो गैस थी ही नहीं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से हम चेकअप लाइव करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे गैस से पानी निकल रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, गैस सिलेंडर से पानी, ये देखिए फिर से वही अंदाज, ठीक है बहुत सही, आप रख दीजिए, आप ये देख सकते हैं। अगर ज्यादा इसमें से हम पूरा पानी निकाल देंगे तो बाद में ये सर्विसेज, गैस सर्विसेज के पास जाएंगे तो वहां ये कहेंगे कि भैया इसमें पानी ही नहीं है, तो इसलिए हम पूरा आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन वजन से एक बार फिर से वजन कर दीजिए, वजन से हम इसको दिखा सकते हैं कि वजन इसका 30 किलो पूरा होता है, गैस जब होती है 15 किलो रख दीजिए भैया, ठीक है 15 किलो गैस होती है, 15 किलो इस गैस सिलेंडर का वजन होता है। अभी भी देखिए 21 किलो 300 हुआ, इतना पानी निकाले उसके बावजूद भी अभी 21 किलो 300 दिख रहा है, यानी 15 किलो का लोहे का ही भार है और 6 किलो इसमें पानी है, 6 लीटर पानी है। अगर 6 लीटर पानी ना होता, गैस होती, तो ये जलती, एक आध महीने और जलता और फिर इसका वजन हो जाता 15 किलो, लेकिन अभी भी 21 किलो है, इसका मतलब समझ सकते हैं 6.5 लीटर पानी है। अब आप समझिए आम उपभोक्ता के जो हकूक हक पे डाका डाला जा रहा है और उपभोक्ताओं के साथ रिफिलिंग में जिस तरीके से ये छेड़खानी की जा रही है, ये गंभीर अपराध है, ये गंभीर अपराध है। सरकार जागे, अधिकारी जागे, आला अधिकारी और जो ये सर्विसेज, गैस सर्विसेज के जो जहां ये भरा जाता है वो भी इंडियन गैस वाले जागे, वरना इस तरीके से आम उपभोक्ता के हकों पे अगर एक, अगर हम कह रहे हैं कि एक गैस में 15 लीटर में अगर 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, कितने बड़े पे ये खेल हो रहा है, इस बात को समझिए, क्योंकि 1 लीटर गैस का दाम जो है वो 100 रुपए के समथिंग है। अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है, अगर आपके भी इस तरीके की समस्या और आपके भी गैस में पानी, अच्छा एक और चीज हम आपको बता दें, जरा पानी कैसे निकालते हैं भाई साहब बता दीजिए, आप भी अपने गैस में कभी भी भरवाने जाएं तो इस चीज को जरूर टेस्ट करें, गैस लेने के बाद पानी कहां से होता है, किस में क्या किया जाता है। ये जो पिन होती है, जी जी, ये पिन को अगर हम प्रेस कर देंगे, दाब देंगे और बाटला को ऐसे
ऐसे उल्टा कर देंगे। उल्टा, जी जी, उल्टा करने पर पिन को जी जी, ये देखिए, ये जो पिन आपको दिख रही है पतली, थोड़ा दूर से दिखाई, ये देखिए जो दिख रही है पिन, इसी पे आप जब इसको अंदर प्रेस करेंगे अंदर की तरफ किसी पतले नुकीले से पेचकस से, तो ये अंदर करने के बाद पानी गिरने लगता है। तो मैं आप इसको रिकमेंड करूंगा, जितने भी उपभोक्ता है खास करके गैस सिलेंडर लगभग अमूमन सभी हैं, तो वो इस चीज को जरूर वेरीफाई करें, चेक करें कि कहीं हमारे गैस सिलेंडर में भी तो पानी नहीं है, क्योंकि एक बड़ी जागरूकता की बात है। अगर ये ऐसा भाई साहब के साथ दूसरी बार हो सकता है तो आपके साथ भी होगा, और आप भी इस चीज को अलर्ट हो जाइए। फिलहाल आप अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं इस पे आप क्या सोचते हैं, और अलर्ट हो जाइए, सरकार प्रशासन अधिकारी भी जागे, इंडियन गैस सर्विसेज वाले भी जागे। बस इस वीडियो में इतना ही, ये कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक पहुंच सके और इस भ्रष्टाचार से बच सके। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।